हेलो, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2020वां एपिसोड ऑन नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो। शो का नाम है आज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर ज्वेलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक स्टाइलेक्स किचन एंड वार्डरोब्स वी हर्ब्स। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू Four Seasons, one of the best furnishing stores in Nagpur at Dharampet, and can't forget to thank We Glow with Vasudha Agrawal. A big thank you to YouTube जो आप इस वक्त शो देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप ये शो शेयर भी करेंगे। हमारी आज की जो मेहमान हैं, जो हमारे साथ इस वक्त हैं, वो एक होम घर से काम करती हैं, गृह उद्योग का हिस्सा है। पिछले 12-13-14 वर्षों से खाकरा और थेपला और पूरी खाने की चीजें, मतलब नाम ले तो मुंह में पानी आ जाए। और कहते हैं कि हर्षा बेन जैसा कोई नहीं बनाता। चलिए हर्षा बेन से खुद मिलते हैं, बात करते हैं। हर्षा बेन खंदेदिया हमारे साथ हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? बस बढ़िया भैया। मुझे बताइए कि आप अपने थेपले में ऐसा क्या डालती हैं जिससे लोगों का दिल इतना बाग बाग हो जाता है? हम लोग थेपले में मसाले में नमक मिर्ची हल्दी फिर जीरा तिल्ली मेथी कसूरी मेथी। अच्छा, ये सब डालते हैं? हाँ। और अपना प्रेम भी डालते हैं ना? बराबर है, है ना? बराबर है। अच्छा, हर्षा जी का जन्म हैदराबाद में हुआ, हैदराबाद से है। हाँ। है ना? हाँ। तो हैदराबाद से नागपुर आना कब हुआ? 92 में आना पड़ा सर। 92 में आए यहाँ। कोई खास रीजन था जिसकी वजह से? घर के प्रॉब्लम्स की वजह से इधर आए, यहाँ पर आए। और यहाँ पे फिर काम शुरू किया? नहीं नहीं। तो कब शुरू किया? वो कोरोना जाने के बाद 12-13 साल पहले से कर रहे थे। जब हमने प्रॉपर्टी खरीदी, जब तक थोड़ा तकलीफ हो रही थी घर में, तो मैंने बोला मेरे हाथ में हुनर है, मैं काम करूंगी। तो मैंने घर के परिवार को, परिवार वाले भी सपोर्ट कर रहे, और मैंने काम शुरू कर दिया। अभी बहुत अच्छा चलता है। चाकोली वगैरह तो बहुत जाती है मेरी। अच्छा, लेकिन मुझे बताइए कि ये जो हुनर है हाथ में, तो ये आपको आपको बनाना किसने सिखाया? मैं, हम लोग जैन की बेटी हूँ, मैं बचपन से जानती हूँ। मम्मी ने सिखाया? मम्मी ने सिखाया, करती हूँ। फिर अभी अपने को प्रॉब्लम्स है घर में, तो घर को सपोर्ट करना जरूरी है, तो उसके लिए मैंने शुरू कर दिया काम। सिर्फ प्रॉब्लम्स है इसीलिए एक महिला ने काम करना चाहिए, लेकिन या फिर अगर हुनर है तो काम करना चाहिए? हुनर है तो करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों सोचते हैं ऐसा? ऐसा है कि अपने में कुछ रहता तो एक्टिव, अपने में है हुनर तो अपन करके बताना कि अपने में को भी कुछ आता है। बराबर। और लोग प्रेम से खाते हैं। तो ये जो आपने घर से बनाकर सप्लाई करना शुरू किया, इसमें आपकी फैमिली में साथ दिया सबने कि आप अकेले ही लगी रहती हैं? नहीं, सब फैमिली ने पूरा साथ दिया। दो बहू है, फिर हेल्पर है, सपोर्ट करते हैं। कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है, उसी में खुश रहते हैं। ऑर्डर आता है तब मजा आता है, तारीफ मिलती तब मजा आता है, कि जब पैसे आते तब मजा आता है? नहीं, ऑर्डर मिलता है जब बहुत खुशी हो जाती है, फिर थकान भी दूर हो जाती है कि थक गए, वैसा भाई महसूस नहीं होता। अच्छा, ठीक है। और अब जब आप अपने मेहनत से काम कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, घर की समस्याओं को सॉल्व करने में आपका भी एक रोल है, तो घर वाले क्या बोलते हैं आपको? तारीफ करते हैं? तारीफ करते हैं ना, कि मम्मी जी को तो बहुत अभी भी एक्टिव है कि करना है, करना है। हाँ, बोली बोली बोली। ऐसा बोलते हैं कि मम्मी जी को आज अच्छा नहीं लग रहा, बोलते तो बोलते 5 किलो खाकरे का ऑर्डर है, मम्मी जी झट से उठ जाती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मी जी को 5 किलो खाकरे का ऑर्डर दे दो तो मम्मी जी उठ जाएंगी। उठ जाएगी, है ना? तो मतलब आपको, आप तो डॉक्टर के पास जाती ही नहीं होंगी? नहीं, कभी नहीं, है ना? मेरे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो जब भी, नहीं नहीं, डॉक्टर की, मैं ये तो मैं मजाक से बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे भी आप हल्का सा सर्दी जुकाम हुआ तो आपकी बहुएं तो प्रार्थना करती होंगी कि हे भगवान ऑर्डर दे दे, है ना? सासू माँ भी उठ जाएंगी। बराबर है ना? ये अब चूंकि आप आपने ये काम को शुरू किया, आपकी बहुएं भी आपका साथ देती हैं, तो क्या आप चाहती हैं कि आपके बाद, या जिस दिन आप ये बोलें कि अब मैं सिर्फ गाइड करूंगी, थकी नहीं, मैं सिर्फ गाइड करूंगी, आप चाहती हैं कि आपकी बहुएं ये काम को आगे बढ़ाए? हाँ, मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ाए, नाम चले अपना। पर फिर ये चीज में कितना कॉम्पिटिशन है गुजरात में आज, कितना मतलब बहुत सारी महिलाएं। कैसा है कि मशीन से बनते हैं खाकरे। हाँ, जब मैं
खुद ही मेलते हैं, खुद ही सेकते हैं, हैंडमेड है पूरा। कभी ये नहीं सोचा गुजराती रेस्टोरेंट चालू करते हैं? नहीं, उसके लिए तब बजट होना चाहिए कुछ करने के लिए। फिर भी 30-40 जनों का ऑर्डर आता है, घर से बना के पार्सल भेजती हूँ। क्या नागपुर में उतने ऑर्डर्स मिलते हैं गुजराती समाज से, लोहाना समाज से? हाँ हाँ, मिलते हैं ऑर्डर, और अच्छे से चलता है। पहले तो मैं बहुत प्रॉब्लम्स दे ली हूँ आज से 3 साल पहले, क्योंकि मेरे हस्बैंड पैरालाइज अटैक आ गया था, जब इतने प्रॉब्लम्स थे कि पैसे तो दवाखाने में जाने के बाद कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, उसके पहले कोरोना चला गया, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स थे घर में, तो मैं दवाखाने में मेरे हस्बैंड के साथ रहना, रात को घर पे आना 12 बजे, 12 बजे आके मैं 12 से 6 बजे तक खाखरे करके फिर मैं हॉस्पिटल जाती थी। अरे बाबा, बहुत प्रॉब्लम्स, क्योंकि दवाखाने में तो पैसे लगना ही है। बिल्कुल। और बच्चे भी, परिवार भी बड़ा है, घर का भी देखना है। जी जी। तो मैं घर में आके करती थी, 12 से 6 बजे तक रात भर जग के करती थी काम। कभी पूजा करती हैं आप? हाँ, पूजा तो करना है। भगवान से कभी कंप्लेंट करिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा बोलती कि जो अपने रहता है, और अपने को भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि हाथ पैर का शरीर बॉडी अच्छा है, इसके लिए ऐसा नहीं होता है कि कभी भगवान पे गुस्सा नहीं आता? नहीं आता। जब कोई लेके जाता है खाकरा या फिर यू नो थेपला, ऐसा कुछ कोई लेके जाता है और जब तारीफ करता है, बहुत खुशी होती, इतनी खुशी होती कि पूछो मत। हाँ ठीक है। सबसे अच्छी तारीफ किसने किया आज तक, कुछ याद है? नहीं, ऐसा बहुत जना ने कि खाकरे तो हमारे बच्चे तुम्हारे यहाँ के ही खाते, बाहर का नहीं लेते, इतने बहुत अच्छा तारीफ करते हैं। ये जो समाज का जो संगठन है जिससे आप जुड़ी हुई हैं, जब इनके साथ आप जुड़ी तो कितना और हिम्मत आई महिलाओं से, और जब जुड़ी? हाँ, बहुत हिम्मत आई, और अपना विल पावर भी और मजबूत होता है कि नहीं अपने को करना है। आपको किसने बताया है लोहाना समाज की इस संगठन के बारे में, महिलाओं का जो संगठन है उसके बारे में? अपने महिला मंडल में हम लोग ग्रुप में ज्वाइंट होते थे, फिर उसमें अभी हेमा बेन ने जो स्टार्ट करा, वहाँ पे स्टॉल लगाती हूँ, करती हूँ, तो अपना और ऑर्डर ज्यादा बढ़ता है, काम ज्यादा आता है मेरे को। तो अभी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है आप? हाँ, काम करती है, बस बस, और मजा आ रहा है? मजा आ रहा, काम करने से ही खुशी मिलती है। तो भी सपने के आगे क्या करना है, क्या चाहती हैं आप, क्या हो? बस भगवान करे हाथ पैर अच्छे रहे अपने, और काम करते रहे, और किसी को भी ऐसा मुसीबत के टाइम घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लेडीज जो बहुत अच्छा यू नो गुजराती खाना बनाती हैं, या कोई भी समाज की महिला कोई स्पेशल चीज बनाती है, उनके समाज का जो यू नो स्वादिष्ट खाना होता है, स्पेशलिटी जो होती है, वो जब वो बनाती है तो उनको ऐसा लगता है कि मैं घर में बनाना चालू करूंगी, मैं ये घर से काम करना शुरू करूंगी, तो ये ज्यादा पैसे कमाने वाला काम नहीं है, ये ज्यादा नाम बनाने वाला काम नहीं है, आप क्या सोचती हैं? मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो अपने हाथ से किसी को खुश हो जाए, पेट भर जाए, खाना खा के खुश होए, तो उसमें अपने को ज्यादा खुशी होती है। दूसरे दिन बोलते हैं कि बहुत अच्छा बना था, कितना खुशी होती है कि मुझे, पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये खुशी में होता है। बिल्कुल सच बात है। मेरे को एक चीज बताइए, कौन सी ऐसी चीज है जो आप जब भी सोचती हैं आप और अपने आप को स्ट्रांग करती हैं, ऐसी कौन सी कोई चीज है जो आप सोचती हैं तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है? बस मेरे को नहीं, जैसा कि ऑर्डर आता है, जब इतनी खुशी होती है, क्योंकि मैंने स्ट्रगल्स बहुत, घर में भी प्रॉब्लम्स बहुत सोल्व किए, तो ऐसा होता है कि ऐसा काम करूंगी तो मेरे पास पैसे होंगे तो सबका हो जाता सोल्व। तो खुद पे खर्चा करती है कि नहीं करती है? शॉपिंग वॉपिंग नहीं, शौक नहीं है वैसा। कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करती? नहीं, नहीं, शॉपिंग नहीं करती हूँ। बहुओं की शॉपिंग करने देती है कि नहीं देती? नहीं, उन लोग करना है करो, उनकी उम्र है। अभी मेरे को तो ऐसा है कि कुछ अच्छा करके जाऊं मेरे घर के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं हर्षा बे, आप अच्छा ही करके जाएंगे, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ना खुद में, आपने अपने इसका कोई ब्रांड नेम रखा कि नहीं रखा? नहीं रखा, पर रखना चाहिए आपने। अच्छा है ना, आपने हर्षाज थेपले या ये ब्रांड कुछ बनाना चाहिए आपने। हाँ, है ना। हाँ, क्योंकि आप ये ब्रांड जब बनाओगे ना, और फिर जब लोग आप ही के ब्रांड का चीज खाएंगे और तारीफ करेंगे, तो क्योंकि क्या है, लोग आपके यहाँ से थेपले ले जाए, फिर अपना स्टिकर लगा दे और खुद तारीफ ले लें, मजा नहीं हो बात में। है ना, आज सारू ना केवाए है ना, ठीक है। तो लेकिन थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आई। ईश्वर से प्रार्थना कि आपके जीवन की तकलीफें खत्म हो, ईश्वर से प्रार्थना कि आप ऐसी फिट रहें, ऐसी
आपकी खूबसूरत स्माइल रहे, है ना, और आप बहुत सारे पैसे कमाए, है ना, और आप बहुत सारी शॉपिंग करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, मुलाकात हुई विद हर्षा बेन और आज उनसे बात करके बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, समझने को मिली। एक चीज है जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, और वो ये है कि जब परिवार में किसी किस्म की तकलीफ आती है तो कई बार घर का पुरुष जो है ना वो कमजोर हो जाता है, बराबर, हकीकत है, लेकिन घर की महिला उस समय स्ट्रांग हो जाती है। और ये जो घर से किया हुआ काम है ना, कोई भी काम, ये आज भारत में ये कहना आसान है कि हम ये बड़ा काम करते हैं, वो बड़ा काम करते हैं। कभी कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो आजकल, हाँ। तो आप जब किसी को जब बताते हो कि आप क्या कर रहे हो, तो आप ये उम्मीद करते हो कि सामने वाला आपकी तारीफ करेगा, अरे वाह। लेकिन जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आप ही को लगता है कि वो छोटा है, तो फिर आप सामने वाले को उस कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बताओगे, क्योंकि आपके लिए ही वो छोटा है। और मैं आपको बताऊं, खाना खिलाना दुनिया का दूसरा पुण्य का काम है, पहला पुण्य तो पानी पिलाना है ना, और दूसरा पुण्य काम है किसी का पेट भर जाए, क्योंकि जैसे ही किसी का पेट भरता है तो वो आपको आशीर्वाद देता है ना। तो हर्षा बेन वो काम कर रही है, और अगर आपको भी जीवन में अच्छे थेपले और क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें, थेपले और खाकरा चाकुली, मास्टर है वो, चाकुली खाकरा थेपला, अगर आपको जीवन में सबसे अच्छे खाने हैं ना, तो आप हर्षा बेन को जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, है ना। आपसे फिर होगी मुलाकात इंद्राज की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ, परिवार की शक्ति के साथ खुश रहें, और हर्षा बेन जैसी महिलाओं को ऑर्डर्स दें, क्योंकि आप ऑर्डर देंगे तो उनको सर्दी जुकाम नहीं होगा, है ना। जिंदा रहें, जय हिंद।